जो लोग अपनी मन मर्जी से चलते हो ना, ऐसे लोगों को उनकी मर्जी पे ही छोड़ देना चाहिए। आजकल हद से ज्यादा प्यार भी रिश्ते टूटने का कारण बन गया है, क्योंकि जो चीजें जरूरत से ज्यादा मिलती है इंसान उसी कदर सबसे कम करता है। अगर आपको लगता है कि कोई आपका आदर नहीं करता लेकिन वो आपसे प्रेम करता है, तो ये सिर्फ आपका एक वहम है, क्योंकि जिसका हम आदर नहीं कर सकते उससे प्रेम होना असंभव है। हाँ, मानता हूँ कि मुझे चालाकियाँ करना नहीं आती, पर ये याद रखना, मुझे समझ में सब कुछ आता है। तुम ही हो, तुम ही थे और तुम ही रहोगे, कुछ इस तरह के झूठे वादे आजकल लोग मोहब्बत में करते हैं। डिप्रेशन कोई मजाक की बात नहीं है। एक अच्छा खासा आदमी अपनी जिंदगी जीना छोड़ देता है। इसलिए जब कोई इंसान डिप्रेशन में हो तो कभी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम्हारी कदर ना करने वालों को हो पछतावा एक दिन, खुद को इतना कामयाब जरूर बना लेना। इस जिंदगी में ना कोई साथ नहीं देता, जो कहता है ना कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, वो आपका साथ जरूर छोड़ देता है। अपने प्रेम को समय दिया जाता है, समय देखकर प्रेम नहीं किया जाता। कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनकी भरपाई हम पूरी जिंदगी नहीं कर पाते। एक घुटन सी होती है दिल में, जब कोई दिल में तो रहता है पर साथ नहीं रहता। सुकून हमेशा उससे दूर भागता है जो किसी और में सुकून की तलाश करता है। सुकून सिर्फ उसे ही हासिल होता है जो अपने आप में सुकून तलाश करता है। जिस पर गुजरती है वही जानता है ये दिल झूठी तसल्लियों से कहाँ मानता है। तुमसे मिलकर अब इश्क से ही नफरत हो गई है। तुम भी, मैं भी और ये इश्क भी धीरे धीरे सब खामोश हो गए। पूरी शिद्दत से चाहने के बाद आजकल सिर्फ धोखा ही मिलता है। जहाँ आपकी कदर नहीं वहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल हो। जिंदगी जीना तो हमें भी आता था, पर गलती ये हो गई कि कुछ गलत लोगों को हमने अपनी जिंदगी में जगह दे दी। मुझे बस एक ही शख्स से मतलब था और अफसोस वो भी मतलब ही निकला। जो आपकी सच्चे दिल से केयर करता है ना, सिर्फ उसे ही हक है आप पर गुस्सा और नाराज होने का। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त हो जाती है जब वो खुद सही होकर भी गलत लोगों के आगे सर झुका देता है। धोखे में जीने से अच्छा है कि अकेले ही जिया जाए। घमंड शराब की तरह होता है, आपके अलावा सबको पता होता है कि आपको चढ़ गई है। शांत रहें, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। ये वक्त है ना, ये बदलता जरूर है। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। किसी से झूठा प्यार करके उसके अरमानों के साथ कभी मत खेलना, क्योंकि कभी कभी टूटे दिल से निकली हुई बददुआ पूरी जिंदगी ही खराब कर देती है। इंसान ऐसा एकमात्र प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं उसकी बातों में होता है। फर्क तो पहले पड़ता था, अब तो असर भी नहीं होता। यहाँ हर शख्स मुसाफिर है, एक दिन यादों से भी चला जाता है। बुद्धिमान वो नहीं है जो केवल बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वो है जिसे ये भी पता हो कि कहाँ चुप रहना है। रूठने का जमाना तो चला गया जनाब, अब तो नजरअंदाज किया जाता है। जिंदगी में बुरे वक्त पर दिया गया साथ कामयाबी में मिली तालियों से कई गुना ताकतवर होता है। आप बस जवाब देना सीख जाओ, दुनिया अपने आप चुप हो जाएगी। गलती करने के लिए कोई भी समय सही नहीं होता, और गलती सुधारने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता। लाइन में लगा होगा वो हर शख्स जिसने आज मुझसे मुंह फेरा है। कई बार कुछ बातों को, कुछ रिश्तों को, कुछ चीजों को रोक के रखना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सलाह मानो, अब जाने दो। कुछ रिश्तों को मजबूत करते करते इंसान खुद ही कमजोर हो जाता है। जमाना उस मोड़ पर आ गया है जिस इंसान के दिल से मदद करने की सोचो वही इंसान पीठ पीछे वार करता है। देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा, क्योंकि दिन बुरे हैं ये जिंदगी नहीं। अजनबियों के बीच रहो तो ठीक है, ये जान पहचान तो आखिर में जान ही निकाल देती है। आजकल लोग दिल इस तरीके से तोड़ देते हैं जैसे बच्चे खिलौने तोड़ देते हैं। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, जब समझदार हुए हैं तो जिंदगी मजे लिए जा रही है। जिस धागे की गांठ खुल सकती हो
उस धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हम भारी तो नहीं हैं जनाब, पर फिर भी कभी हल्के में मत लेना। कोई कितना भी खास क्यों ना हो, वक्त के साथ सब बदल जाता है। दुख में लिपटे लोग दुआएं कमाल की देते हैं। जितना दर्द हम सह रहे ना, उतने में तो तुम 100 बार मर जाते। वो समाज, वो रिश्ता, वो देश जल्दी ही खत्म हो जाता है जहां लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। टूट जाते हैं कुछ रिश्ते हालातों में भी अक्सर। हर बार कसूर इंसानों का नहीं होता जो कभी शिकायत नहीं करते। याद रखना, दर्द उन्हें भी होता है। जिंदगी गुजरने लगी है अब तो किश्तों पर। कुछ ग्राम का मोबाइल सब रिश्तों पर भारी पड़ गया है। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ दिया करती है। बोल दिया करो या लड़ लिया करो, वो समझ कर एतबार किया करो, क्योंकि यहाँ हमदर्द को दिल का दर्द बनते देर नहीं लगती। जब किसी रिश्ते में शब्दों की मर्यादाएं टूटने लगे तो समझ लेना उस रिश्ते का अंत निश्चित है। वो इंसान अगर एक बार गलती करे तो कोई बात नहीं, दो बार गलती करे तो होता है, इंसान है, मगर अगर तीसरी बार गलती करे तो उससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये उसकी गलती नहीं उसकी आदत है। रिश्ता चाहे 1 साल का हो या 10 साल का, उसे टूटने में बस एक पल लगता है। आप जवाब देना सीख जाओ, लोग अपने आप औकात में रहना सीख जाएंगे। जिंदगी में कोई चीज इतनी नहीं बिगड़ती कि उसे दोबारा ठीक न किया जा सके। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। कुछ इंसान आपकी पूरी जिंदगी ही बदल देते हैं, मिले तब भी और ना मिले तब भी। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जिंदगी जीने का अंदाज ही बदल जाता है। लोगों से डरना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। सबने एक वहम दिल में पाल रखा है कि सारा कारवां मैंने संभाल रखा है। जमाना बदल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दर्द तो तब होता है जब अपने बदल जाते हैं। मरने वाले इंसान को रोने वाले 1000 लोग मिल जाएंगे, मगर जो इंसान जिंदा होता है उसको समझने वाला एक भी शख्स नहीं मिलता। गुस्सा, गलती, लालच और अपमान फर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुपते हैं, परंतु खुद करो तो एहसास तक नहीं होता। आजकल सब यही कहते रहते हैं कि वक्त नहीं मिलता। समझ नहीं आता कि बिजी वक्त हो गया है या इंसान हो गया है। मैं जिंदगी के उस दौर से भी गुजरा हूँ जहाँ रोते हुए मैंने खुद को खुद ही चुप कराया है। आईने में मुख और संसार में सुख सिर्फ दिखाई देता है, होता नहीं है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं ना, अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। भरोसा करो, मगर किसी के भरोसे मत रहो। आजकल तो जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना जहर कुछ लोग दूसरों के लिए अपने दिल में रखते हैं। लोगों के लिए आप सिर्फ तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा करते हैं, और आपके लिए सब तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मीद ना रखें। जो आपके साथ रहकर भी किसी और का हो, वो आपसे दूर ही रहे तो अच्छा है। ये जरूरी नहीं कि जीने के लिए कोई सहारा हो, और जरूरी तो नहीं तुम जिसके हो वो भी तुम्हारा हो। जिंदगी में आप किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत रहना, क्योंकि अगर उसको आपकी सच में परवाह है तो वो आपके लिए टाइम निकाल ही लेगा। बंदा खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है।